लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शगुप्ता खान की। जी हां, शगुप्ता ही बॉलीवुड की वो लेखिका है जो अपनी उम्र के 17वें साल में ही जिस्म फिरोशी के धंधे में पहुँच गयी थी। जी हाँ, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें अपना जिस्म बेचना पड़ता था। ये पर्दे के पीछे की वो लेखिका है जिनकी फिल्म जैसे ही पर्दे पर आई धमाल मचा दिया। शगुप्ता की कहानियों में अलग सा रोमांस तो रहता ही है, साथ ही उनकी फिल्म की खनैया अक्सर दिल को छू लेती है। शगुप्ता ने बताया कि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे अलग अलग लोगों को रात बिताने के पैसे मिलते थे। जब मैं 27 साल की हुई और एक आदमी के पास रात बिताने के लिए गई, लेकिन ये बात मेरी माँ को पता चल गई। मैं इस प्रकार के काम में शामिल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को नहीं जानती, मेरे जन्म को लेकर अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि मेरा जन्म एक झोपड़पट्टी में हुआ था और मेरे माता पिता नहीं रहे। कोई कहता है कि मेरी माँ के किसी अमीर आदमी के साथ संबंध थे, जब मैं हुई तो मुझे फेंक दिया गया। तो कोई कुछ और कहता है। मैं हमेशा से अनवरी बेगम के साथ रही, वो ही मेरा ख्याल रखती थी। उनके साथ एक आदमी रहते थे जिनका नाम था ब्रिजवान, जो कि मुझसे बेहद चिढ़ते थे। ऐसे में मेरा नाम भी शगुप्ता खान पड़ गया। शगुप्ता ने बताया कि जब वो यह जिस्म फिरोशी के धंधे में थी तो किसी ने बताया कि दुबई में बार डांसर को दोगुना पैसा मिलता है। मैं भी चली गई, जिसके बाद मैंने खूब पैसा भी कमाया, जिसके बाद माँ का निधन होने पर वापस लौट आई और यहाँ आकर महेश भट्ट से मिली। शगुप्ता महेश भट्ट के पास काम के लिए गई, जहाँ उन्हें एक डायलॉग लिखने को दिया गया, जिसकी फिल्म थी कलयुग। अपने डायलॉग से उन्होंने दर्शकों का मन जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने रेस 2, जिस्म 2, मर्डर 2, राज 3, आशिकी 2 जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए लिखा।